ठीक है बेटा, तो लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हमने? लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हम सबने? प्रॉपर्टीज सर प्रॉपर्टीज चल रही थी। चल रही थी, कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कौन सी प्रॉपर्टीज कर ली थी? सर प्रॉपर्टी थर्ड तक पहुंच गए थे। थर्ड तक पहुंच गए थे, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। प्रॉपर्टी थर्ड, मेरे ख्याल से हमने ये वाली कर ली थी ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा। यस सर। यस, एक्स आएगा और ये कब आएगा, व्हेन एक्स इज बिकम्स टू कहां से कहां तक, -π/2 सर 0 से π। से पाई। ठीक है, थर्ड क्या था, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स व्हिच इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 बट ओपन ब्रैकेट। यस एंड फोर्थ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स व्हिच इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा बेटे, 0 से π। 0 से π बट क्लोज आएगा ओपन आएगा, ओपन ओपन करेक्ट। फिर इनवर्स ऑफ sec x ऑल्सो इक्वल टू x, और ये x कहां से कहां तक आएगा बेटे, सर 0 से नहीं बोलो बोलो कहां तक आएगा, सर 0 से π आएगा सर, और इसमें 0 से π आएगा x सर π/2 -π/2 करेक्ट। And sixth, last is cosec inverse of cosec x. ठीक है बेटा, this is equal to x, where x is belongs to कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 -0 π/2 Yes, यही थी ना सर प्रॉपर्टी बेटा। Yes, सबको आती है। Yes sir. Yes. है ना, याद अगर हमने कर लिया तो मेरी खास सबने याद भी कर लिया होगा, ठीक है ना बेटे? Yes sir. यस, नेक्स्ट आ लो प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 बेसिकली है कि आप हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ्स ऑफ, इसको आप ऐसे लिख लो, हमें एक्चुअली ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बाहर इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, प्रतिलोम फलन होना चाहिए, और अंदर कैसा फलन होना चाहिए, त्रिकोणमितीय फलन होना चाहिए। जैसे अभी फर्स्ट हमने किया क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी थर्ड में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो एक्स के बराबर आता है, ठीक है, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बेटे, -π/2 से π/2 तक के बीच में, ठीक है बेटे। अच्छा अब इसको समझो थोड़ा सा, इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात ये है क्या कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये क्या है, ये पूरा का पूरा फलन है ना, यस सर, ये पूरा का पूरा एक फलन है, यस सब बोलो बेटे, आया ना है या नहीं, है ना, ये पूरा का पूरा एक फलन है। फलन को हम कैसे लिखते हैं, वाई से लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स करके लिखते हैं ना फलन को, यस सर, यस यही लिखते हैं बेटा, सबकी आवाज आ रही नहीं आ रही, बोलो, यस सर, यस, ठीक है, तो ये एक्चुअली आ गया वाई इक्वल टू एक्स, आया ना, तो वाई बराबर एक्स आया, तो एक बात बताओ मुझे बेटे कि ये जो वाई बराबर एक्स आया है तो वाई बराबर एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, एक लाइन का ग्राफ होता है, एक रेखा का ग्राफ होता है ये, आया ना, तो yes, इसका मतलब ये है कि ये जो फलन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये एक्चुअली क्या है, ये एक लाइन ही है, हाँ ना, क्या है ये एक लाइन है, यस और नो बेटे, यस यस है ना, सबको समझ में आ रहा है कि भाई अल्टीमेटली ये तो एक लाइन ही है, हाँ ना, तो अब ये जो लाइन है कहां से कहां तक बन रही है, जब x -π/2 से π/2 तक के बीच में है, तो एक बार बना के देख लेते हैं,
तो भाई अगर अपन इसको बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मान लिया हमने दिस इज जीरो, ये पॉइंट ले लिया अपन ने माइनस पाई बाय टू, ठीक है बेटे, ये पॉइंट ले लिया हमने पाई बाय टू, ठीक है। याद है, क्लियर बेटा सबको? यस सर, ठीक है। अच्छा अब एक बार बताओ बेटे, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये तो x है, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अधिकतम न्यूनतम वैल्यू क्या से क्या हो सकता है, बोलो बोलो क्या होगा बेटे? माइनस पाई बाय और प्लस पाई बाय, अरे माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, तो इसका ये है x, x मतलब डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, इसका परिसर क्या होगा? माइनस वन से वन तक, ये पॉइंट हो जाएगा अपना वन और ये पॉइंट हो जाएगा अपना माइनस वन, आया ना? यस सर, है ना, ये चीज अपने को समझ में आ गया। अब माइनस पाई बाय टू पे ये वैल्यू आएगा माइनस वन, पाई बाय टू पे ये वैल्यू आएगा वन, आया ना? ये तो पढ़ चुके हैं क्यों बेटे? अरे पढ़ चुके नहीं है भाई, ये खुद ही कह रहा है कि अगर x जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में है तो उसका ग्राफ y इक्वल टू x बन रहा है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना? देखो काफी अच्छी तो नहीं बनी है, अगर बना लेता हूँ शायद अच्छी बन जाए, ठीक है बेटे, इसको मान लिया हमने कि ये पॉइंट है, ठीक है बेटे, माइनस पाई बाय टू तक के, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में आपको सबको लाइन दिख गई कि हाँ ये लाइन बन रही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? बोलो हाँ या ना, है ना? चलो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया कि भाई यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये जो एक्स है साइन एक्स, अब ये एक्स में तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये x में तो कुछ भी रख सकता हूँ भाई, sin x था, sin x का प्रांत कितना होता है, sin x का प्रांत कितना होता है बेटे? सर हाँ बेटे, हाँ बेटे बोलो 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 क्या कह रहे हो? सर प्रांत मतलब डोमेन ना? हाँ प्रांत डोमेन, सर sin x का, हाँ sin x का डोमेन क्या होता है बेटे? सर माइनस वन से वन होता है, आर इज माइनस वन से वन, आर आर कितना होता है? आर, इसका डोमेन आर होता है। तो एक बार बताओ यार, अगर इसका डोमेन आर होता है तो इसकी जगह तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब माइनस पाई बाय टू से कम भी रख सकता हूँ, पाई बाय टू से ज्यादा भी रख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं रख सकते हैं, आया ना? और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि भाई ये जो एक्स है यहाँ तो हम कुछ भी रख सकते हैं, मगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में अगर हम कुछ भी रखते हैं तो इसका आंसर हमेशा एक्स आएगा। अगर इसके अलावा मैं कुछ और एक्स रखूंगा, मतलब माइनस पाई बाय टू से कम रखता हूँ या पाई बाय टू से ज्यादा रखता हूँ, तो उसके लिए आंसर फिर कुछ और आएगा, वो हर बार एक्स नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर, आया ना? लास्ट हमने डिस्कस किया था बेटे, भूल गए? याद है ना? यस सर, याद है ना बेटे? भाई आप रख के देख लो ना, आप एक्स की जगह पाई रख के देख, पाई, पाई जो है पाई बाय टू से बड़ा होता है, तो इसमें एक्स की जगह पाई रखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई कितना होता है बेटे? जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है ना? यस यस सर, पाई जीरो। अब साइन पाई जीरो आया तो साइन इनवर्स जीरो कितना होगा? जीरो जीरो,
और यहाँ पे क्या आ रहा है x, मैंने क्या बोला था अगर इसके अलावा डोमेन में इसके अलावा कुछ और रखोगे तो आंसर x नहीं आएगा, तब आंसर डिफरेंट आएगा। मगर अगर x जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा x आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस यस क्लियर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को ये चीज समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या किया जाए? इसके आगे करने के लिए पहले तो आप ये देखो, पहले तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। पॉइंट्स क्या क्या होंगे भाई? ये हो गया माइनस, सॉरी ये पाई बाई टू हो गया, ये पॉइंट पाई होगा, है ना। फिर यहाँ पे थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, फिर इसके आगे टू पाई आएगा, है ना। ऐसे जाएंगे ना पॉइंट्स? यस सर। यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा, यहाँ माइनस थ्री पाई बाई टू आ जाएगा। थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, इसको अच्छे से समझना बेटे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे लेट से माइनस थ्री पाई बाई टू आ रहा है, यहाँ पे लेट से माइनस टू पाई आ रहा है। अब जो इससे आगे ग्राफ बनेगा ना, इससे आगे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये वैल्यू कभी क्रॉस तो करेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ग्राफ कहीं भी कुछ भी बन जाए, ये वैल्यू कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। आगे ड्रॉ करूंगा ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये कुछ इस तरीके से आगे जाए, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसे आगे जाएगा। आगे बात समझ? ये कुछ ऐसे पहाड़ों की तरह ग्राफ बन जाएगा, पहाड़ की तरह। बात समझ में आ रही बेटे? यस सर। है ना भाई, आप इतना से याद रखो। अच्छा चलो एक काम करते और सिंपल कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसका ग्राफ ये बनेगा? तो देखो बेटे एक बात बताओ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के बीच में तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके आगे कुछ वैल्यूज रख के ही देख लेते हैं कि भाई वैल्यू रखने पे आएगा क्या। जैसे मैंने रखा था ना एक्स की जगह पाई रखा था, तो एक्स की जगह पाई रखने पे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई कितना आ रहा था बेटे? सर जीरो। जीरो आ रहा था, तो मतलब एक्स की जगह जीरो आ रहा है, देखो पाई रखने पे, है ना। लाइन जो है इसको कट करके निकल रही, निकल रही है ना। यस सर। है ना, आप एक काम करो थ्री पाई बाई टू रख के देख लो, एक्स की जगह, एक्स की जगह हमने थ्री पाई बाई टू रखा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है? साइन थ्री पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है बेटे? थ्री बाई टू। साइन थ्री पाई बाई टू का वैल्यू थ्री बाई टू होता है, श्योर? नो सर, माइनस वन। माइनस वन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन। माइनस वन का वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन पाई बाई टू। पाई बाई टू, एक मिनट रुको, एक्स की जगह हमने क्या रखा था? थ्री पाई बाई टू रखा था, साइन थ्री पाई बाई टू होता है माइनस वन, ठीक है। तो ये आ गया एक्स। अच्छा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स निकालेंगे अगर हम, तो साइन इनवर्स कितना आएगा? ये माइनस वन आएगा ना, तो माइनस वन के हिसाब से कितना हो गया? एक मिनट, हम कितना रख रहे हैं इसमें? थ्री पाई बाई टू रख रहे हैं ना, साइन पी पाई बाई टू का वैल्यू ऐसे नहीं आएगा ना, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब एक काम करो, साइन पी पाई बाई टू ऐसे लिखी, साइन पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो साइन पाई प्लस पाई बाई टू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस वन, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन और साइन इनवर्स माइनस वन, हाँ आ गया ना, माइनस वन ही तो आ रहा है, कुछ और नहीं। यस, इसमें वैल्यू कितना आएगा? माइनस वन आएगा, देखो रख के देखो। यस सर। हाँ माइनस वन आ रहा है, ठीक है। तो अब माइनस वन आ गया, टू पाई रख के देख लो। अब इसकी जगह अगर आप टू पाई रखोगे तो टू पाई कितना आएगा रख के देख लो। सर जीरो। यस,
एक्स की जगह अगर टू पाई रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई कितना आएगा, जीरो आएगा। अब एक चीज बताओ मेरे को कि भाई ये अगर जीरो आ गया तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ लाइन इसी तरीके से बनेगी ना, पहले यहाँ तक हमने कनेक्ट किया फिर इससे आगे लेके जाएंगे तो भाई वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ऐसे लाइन ही बनेगी ना, आया ना? यस सर, लाइन बनेगी। तो अभी बात बताओ मेरे को बेटे क्या कि हमने एक और चीज पढ़ी थी फंक्शन में, पीरियोडिक फंक्शन याद है? पीरियोडिक पीरियोडिक करके पढ़ा था हमने कुछ, यस सर, है ना? पीरियोडिक मतलब क्या था? क्या कह रहे बेटे, कुछ कह रहा था कोई? अरे पीरियोडिक मतलब क्या था बेटे? अरे जो रिपीट करता है, याद आ गया भाई? रिपीट कर रहा था एक ग्राफ बार बार, याद आ रहा है? हेलो बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। पीरियोडिक याद आया कि भूल गए? याद आया साइन एक्स था, साइन एक्स याद आया ना? साइन एक्स कुछ ऐसा बनता था और मैंने कहा था कि यही ग्राफ जो है बार बार रिपीट कर रहा है, याद आया? इसका पीरियड क्या था? टू पाई था। मैंने बोला था जो साइन एक्स है उसका पीरियड टू पाई होता है, साइन एक्स हो सकता। तो एक बात बताओ, जीरो से टू पाई के बीच में ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसके बाद हर जगह इसी इंटरवल में क्या बनेगा? जीरो से टू पाई के बीच में ऐसा ही ग्राफ बनेगा, आया ना भाई? दिख रहा है आपको ये ग्राफ बनता हुआ? यस सर, यस सर, यस सर। ऑब्वियसली बात है इसके बाद भी क्या होगा, यही ग्राफ रिपीट करता रहेगा बार बार। बात समझ में आ रही बेटे? यस सर, यस सर, यस सर। ग्राफ बनेगा ये से पहाड़ की तरह बनता है, यस। तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी हम जो भी ग्राफ पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है? तो एक बार इसको बना लो जल्दी से, तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि इस पे कैसे आते हैं। पहले इसको बनाओ, चेंज करना है यहाँ पे माइनस पाई बाय टू आएगा, ये पाई बाय टू, अरे हम इनवर्स वाला बना रहे हैं, इसको चेंज कर देना, दिस इज पाई बाय टू, रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, वो जो हम रेंज की बात करते हैं वो साइन की, यहाँ पे इनवर्स वाला है ना, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है बेटे? सब हो गया, हो गया, सबने बना दिया बेटे? ठीक है, चलो अब वापस ग्राफ की तरफ आओ, अब इसमें फिर से देखो एक बार। अच्छा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y equal to x। ऐसे ही पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू तक के बीच में भी तो लाइन बन रही है, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा? y equal to x। y equal to x पक्का? y equal to minus x। y equal to minus x। नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि केवल y equal to minus x है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा स्लोप करके पढ़ा था कुछ 11th में? यस सर, यस सर। स्लोप क्या होता है? क्या प्रवणता? प्रवणता, प्रवणता क्या होती है? मतलब किसी चीज x अक्ष
के मध्य बने झुकाव या एंगल। हाँ करेक्ट, कौन झुका हुआ कौन है ना। एक बात बताओ तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो तो क्या बोलते हैं नेगेटिव बनेगा, मतलब ये जो कोण आएगा ये यहाँ से प्रवणचित्ता जो आएगा क्योंकि जो स्लोप आएगा वो तो नेगेटिव आएगा ना। तो बस याद रखना, बस आप इतना सा याद रखो इसमें क्या कि अगर ये वाली लाइन बन रही है ना इसका जो स्लोप आएगा प्रवणचित्ता वो वन आएगा, अगर ये वाली लाइन बन रही है तो इसका प्रवणचित्ता माइनस वन देगा। याद है बात समझ में, याद है बात। तो अब वापस यहाँ पे देखो भाई इसकी प्रवणचित्ता क्या है माइनस वन माइनस वन, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये है पाई। मान लो ये पॉइंट है पाई, यहाँ पे कितना है ये पाई, ठीक है। अच्छा पाई है तो एक बात बताओ बेटे, ये जो पॉइंट है दिस इज पाई, इसको मैं केवल पाई लिखूं या मुझे पाई कोमा जीरो लिखना चाहिए। पाई कोमा जीरो भाई एक्स अक्ष पे, एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को कैसे लिखेंगे भाई। अगर x पे y लिया है मतलब हमने पाई लिया तो y तो जीरो ही होना होगा, x एक्सिस पे y जीरो ही होगा ना हमेशा। यस यस सर, बिल्कुल x एक्सिस पे y जीरो होगा। तो एक बात बताओ मुझे, मेरे पास एक ये पॉइंट है, मेरे पास स्लोप है, मतलब एक पॉइंट पे और प्रवणचित्ता भी है, तो मुझे अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना, इस लाइन का समीकरण लिखना है तो कैसे लिखते थे हम, कुछ ऐसे याद आया? y - y = mx - x1 याद आ गया। अगर हमारे पास एक पॉइंट है एक स्लोप है तो हम लाइन का इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एक स्लोप होगा और एक पॉइंट होगा, क्लियर? यस x माइनस एक्स वन क्या है पाई, पाई पाई इक्वल टू ये कितना है माइनस एक्स प्लस पाई आ गया। यस सर। तो लाइन का इक्वेशन क्या बना, वाई पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, पाई माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? यस सर। लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, पाई माइनस एक्स। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब ऐसा तो नहीं कि भाई हर एक का निकालने बैठेंगे, इतना टाइम तो है नहीं उसके पास, तो कैसे याद रखेंगे भाई। अगर इस तरीके की लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव, मतलब जो स्लोप आएगा है ना प्रवणचित्ता आएगी, प्रवणचित्ता आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आएगी तो एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वाई बराबर एक्स आ गया। इसकी प्रवणचित्ता माइनस वन मतलब स्लोप माइनस वन नेगेटिव है, तो जो एक्स है वो माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही, जो एक्स है वो माइनस माइनस में आ जाएगा, और पॉइंट जो है ये वाला जो पॉइंट है वो क्या रहेगा बेटे, वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पाई माइनस एक्स। एक्स को बाद में लिखना नेगेटिव के बाद, उससे पहले पॉइंट लिख देना, तो पाई माइनस एक्स। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है, इस लाइन की प्रवणचित्ता पॉजिटिव ये वाली जो लाइन है एक्स प्लस टू पाई, एक्स प्लस टू पाई, एक्स माइनस टू पाई, माइनस माइनस टू पाई, एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस टू पाई, ठीक है बेटे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हम ये इक्वेशन लिख तो रहे हैं, हम ये समीकरण लिख तो रहे हैं लाइन की, इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू पाई माइनस x, तो ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा इसमें x है क्या, x क्या है, x is x एक्सिस ऑब्वियस बात x, तो x कौन से वाले पॉइंट्स लूंगा मैं, येलो वाली लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स लूंगा या ये वाइट येलो वाली, ये जो येलो वाली लाइन बनाएगी ना, तो अब माइनस सॉरी ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के बीच में, मतलब ये वाला जो लाइन है ये वाला माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के बीच में येलो वाली x जो है इसमें से कुछ भी हो सकता है, इस वाली लाइन के लिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक के बीच में x कुछ भी हो सकता है। इस वाली लाइन की इक्वेशन के लिए 3 पाई बाय 2 से फिर इसके आगे जो आएगा 5 पाई बाय 2 उसके बीच में x कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसा ही है, मुझे जल्दी से इस लाइन का इक्वेशन बता दो बेटे, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा,
वाई मेरा माइनस है एक्स प्लस पाई देखो भाई ये जो पॉइंट है माइनस पाई कॉमन तो वाई माइनस जीरो इक्वल टू इसकी प्रवृत्ति था माइनस वन मतलब माइनस वन x और ये पॉइंट क्या है माइनस पाई तो प्लस पाई हो जाएगा ही यस सर आया ना यस सर पाई माइनस पाई को मैं डिलीट की वजह से ये आ गया x माइनस y माइनस ए मतलब x माइनस x1 से ही आ जाएगा तो y इक्वल टू कितना हुआ माइनस x माइनस आया ना यस सर तो माइनस x तो माइनस से होगा क्या बेटे x तो इस साइड नेगेटिव होता है तो x पॉजिटिव क्यों लिया x पॉजिटिव कहाँ लिया मैंने बेटे नेगेटिव ही नेगेटिव तो है नहीं ऊपर माइनस वन इनटू x प्लस पाई माइनस वन इनटू x प्लस पाई कहाँ पे लिखा है माइनस नहीं मैं कह रही थी कि x को पॉजिटिव क्यों लिया ऊपर नेगेटिव ले सकते उसके अंदर इनटू करी है ना ये माइनस वन मल्टीप्लाई किया ना बेटे तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इनटू x माइनस x आएगा माइनस वन इनटू पाई माइनस पाई आएगा ना सर वो नहीं कहती मैं कहती कि सर वो x पे माइनस नेगेटिव क्यों नहीं रखा नेगेटिव क्यों नहीं रखा यहाँ पे माइनस x को माइनस x क्यों नहीं लिखा कह रही थी ऊपर सर क्योंकि x तो फॉर्मूले का एक बोलो आप दो दो एक साथ बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे हो कोई भी एक सर सर मैं कहती इस साइड x तो नेगेटिव होता है तो हमने x की जगह माइनस x क्यों नहीं रखा ऊपर x नेगेटिव यहाँ पे हाँ अरे नहीं बेटे हम जो लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना लाइन का इक्वेशन ये होता है और इसमें जो आप कह रहे हो ना पॉइंट वो ये पॉइंट होता है ये वाले x1 और y1 ये x तो ना होता है जो पॉइंट है अपने ये माइनस पाई कोमा जीरो यहाँ से पॉइंट क्या आएगा माइनस पाई कोमा जीरो आएगा ना तो माइनस पाई कोमा जीरो में एक्स वन जो है वो माइनस पाई है और जो जीरो है वो वाई वन है तो हम जो पॉइंट मतलब जो वैल्यू रखते हैं वो यहाँ पे रखते हैं वाई वन और एक्स वन में इस एक्स और वाई की जगह नहीं रखते कभी भी अब बात समझ में ठीक है इसलिए क्या आएगा वाई माइनस जीरो इक्वल टू स्लोप इज माइनस वन एक्स माइनस अब माइनस एक्स माइनस के बाद एक्स वन कितना है एक्स वन माइनस फाइव अब बात समझ में आ गई यस सर ठीक है इसलिए आया क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक यस सर सबको समझ में आ गया सर एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए ना एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए नहीं ऐसा कहीं पर अरे नहीं पूछ रही थी अच्छा अच्छा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई x की वैल्यू हर बार पॉजिटिव का होगी आप अगर इस तरफ आओगे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो यहां पे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना x की तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे या कि वैसी ही होगी नहीं नहीं हमें पॉजिटिव नहीं बनाना हमें बस एक काम करना है कि जो x की वैल्यू आ रही ना x की वैल्यू उठा के आप यहां रख दो सिंपल सी बात यस सर क्लियर यस सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin inverse sin 2
ठीक है। देखो अब इसको करेंगे कैसे, इसको हम एक में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन। अब एक बार वापस ग्राफ पे आओ, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटे, इसको ऐसे देखो, बताओ। वैसे एक बात बताऊं, इसमें माइनस वाली वैल्यूज निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी से आराम से निकाल लेंगे, माइनस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो उसको छोड़ो भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ साइन टू। एक बार अब वापस ग्राफ में आओ। अब एक बात मुझे बताओ बेटे, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? वन। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू वन होगा, आया ना? यस सर। ओ सॉरी, वन के राउंड माइनस वन। 3.14 होता है ना पाई? 3.14। 3.14 यही रहता है ना? यस सर। तो अगर मैं हाफ कर रहा हूँ, अगर मैं पाई बाय टू कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट होगा, ये नंबर में कितना आएगा? मेरे ख्याल से 1.5 समथिंग आएगा। 1.5। और ये जो पाई है, ये मतलब 3.14 हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, मैंने क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन टू। तो अब इसको कंपेयर करो क्वेश्चन से, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। एक्स क्या है? टू। मतलब x एक्सिस पे ये देखो कि टू कहाँ पे है, x एक्सिस पे टू कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? पाई बाय टू और पाई के बीच में ही कहीं लाया करेगा। आया ना भाई, टू कहाँ पे आएगा? पाई बाय टू से पाई के बीच में ही कहीं टू आ रहा होगा। मान लो अगर टू यहाँ है, तो अगर ये टू यहाँ पे है, पाई बाय टू के बाद है, तो एक बात बताओ, इसके लिए मुझे कौन सी लाइन यूज करनी चाहिए, पाई बाय टू से 3π/2 वाली या माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाली? पाई बाय टू से 3π/2 वाली, यही लाइन यूज करूंगा भाई। ऑब्वियसली बात है, इसका जो वैल्यू आएगा वो इसी लाइन पे आएगा ना, एक्स इक्वल टू टू के लिए इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, इस फलन का जो वैल्यू आएगा, वो तो यहाँ इस वाली लाइन पे आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ग्राफ आ गया, बस सब कुछ आ गया, आंसर आ गया। मतलब अब यही चीज मैंने क्या बोला कि अगर उसने यही चीज ये बोला, क्वेश्चन ऐसा होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन लेट्स से 1/2, तब इसका आंसर क्या आता? बेटे सर टू नहीं, पाई बराबर टू, 1/2 ही आता। यस सर। मैंने क्या बोला, अगर x जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो गया, 1.5 से 1.5 के बीच में। Yes, sir. है ना? तो अगर x का वैल्यू माइनस 1.5 से 1.5 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ x की जगह जो हम लिखेंगे वही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए y बराबर x होता है ना। अभी हमने यही तो देखा था, माइनस पाई बाय टू तक के बीच में एक्स जो होगा वही वाई होगा, जो वाई होगा वही एक्स होगा, तो वाई बराबर एक्स। मगर एक्स जो है वो पाई बाय टू के आगे चला गया, टू जो है पाई बाय टू से ज्यादा है ना, तो उस केस में क्या आंसर आएगा वो उस ग्राफ से पता लगेगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है बेटा? बेटा सबको क्लियर है, हाँ या ना? नहीं है तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। क्या कह रहे हो? एक बार फिर से बता दूं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बेटे आपको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन फोर। क्या निकालना है? साइन इनवर्स ऑफ साइन फोर। तो अब एक बार वापस ग्राफ में आओ। अब इसमें एक्स की जगह क्या बोल रहा है, वो फोर बोल रहा है।
यस सर यस सर। मुझे एक बात बताओ x equals to 4 कहाँ पे आ रहा होगा? पाई बाय 2 x equals to 4 पाई बाय 2 पे आएगा पक्का। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है 3.14। तो बस ये बताओ कि मुझे 4 कहाँ पे आ रहा होगा? y बराबर x minus 2 पाई y equal to pi minus x वाली लाइन 2 pi minus 2 pi by 2 तो और ज्यादा होगी है ना, ज्यादा हो गया। क्लियर है ना बेटे? अब जो 4 है एक्चुअली 4 है बताओ, अब 4 अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो कौन सी वाली लाइन यूज होगी? पाई और 3 पाई में y = पाई - x y = पाई - x। तो अगर y = पाई - x आएगा तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? y = पाई - 4 पाई - 4 बस आ गया आंसर। ठीक है करना y equals to pi minus 4 ऐसा खुलेगा बस। ही समझ में आ गया बेटे? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस चलो फिर ये बता दो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू क्या आएगा? अब कुछ सोचो मुझे बताओ। आया बेटे आंसर? सर 7 पाई बाय 2 माइनस 10 7 पाई बाय 2 माइनस कितना रहा बेटा? 7 पाई बाय 2 माइनस 10 यस सर। ओके 3 पाई से 7 पाई बाय 2 के बीच में आएगा। करेक्ट। देखो बेटा 2 पाई एप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 2 पाई तो छोड़ो, 3 पाई की बात करते हैं क्योंकि पाई इज 3.14 तो 9.42 समथिंग हो जाएगा। अब हम लेकिन इसकी बात करिए 10 की बात करिए तो 3 पाई के बाद कौन सा नंबर कौन सा वैल्यू आएगा? 7 पाई बाय 2 आएगा। तो बेसिकली ये 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 के बीच में लाइन कर रहा होगा। यस सर। अच्छा 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 तक के बीच में लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी? नीचे को मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसका? नेगेटिव होगा मतलब ऐसी लाइन बन रही होगी। यस सर। है ना राइट। 2 पाई बाय ये नेक्स्ट जो कट करेगा 3 पाई पे करेगा ऐसी लाइन बनेगी। ऐसी वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव, तो अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं पाई माइनस कितना आ जाएगा उस टाइम पे? पाई माइनस थ्री पाई माइनस एक्स आना चाहिए ना। इसके लिए क्या आ जाएगा? वाई इक्वल्स टू 3 पाई माइनस एक्स। एक्स कितना? 10। कितना आंसर हो जाएगा? 3 पाई माइनस 10। कर लिया ना? आगे बढ़े। अब चलो नेक्स्ट इज दूसरा cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x। ये कब था? x इज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू। जीरो से पाई था ना बेटा कॉस वाले कॉस के लिए तो? यस सर। हाँ माइनस से ना है इसके लिए। चलो आप इसके लिए देखते हैं। हमारा
जीरो से पाए, ठीक है, और इस, मतलब इसका जो परिसर है, रेंज है, वो जीरो से पाए। तो मतलब ये पॉइंट हो गया जीरो, ये पॉइंट आ गया अपने पास क्या, पाए, ठीक है, जीरो से पाए के बीच में बनेगा, ठीक है। अब जीरो से पाए के बीच में बेटा कितना बनेगा, ये जीरो है ना। अब जीरो से पाई के बीच में y बराबर x आना चाहिए, तो मतलब ये जीरो है और पाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज पाई, ये आएगा टू पाई, ठीक है, यहाँ पे आएगा कहीं थ्री पाई, ऐसे माइनस पाई, माइनस टू पाई, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो पाई पे वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आएगा, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वही आएगा ना, वाई बराबर एक्स, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए लाइन, आया ना? यस सर। भाई जीरो से पाई के बीच में आप एक्स की जगह कुछ भी रखो तो आंसर हमेशा एक्स ही आएगा, वही आएगा, मतलब क्यों, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में ये तो वाई बराबर एक्स का काम कर रहा है ना, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये भाई जीरो से पाई के बीच में आ गया, उसके बाद नीचे गिरेगा और ये कुछ इस तरीके से टू पाई को थोड़ा आगे बढ़ा, टू पाई, तो ये कैसा बनेगा, ये इस तरीके से बनता है, और फिर नेक्स्ट आगे करके इस तरीके से पहाड़ बनेगा, this is minus pi, तो minus pi पे कुछ ऐसा बनेगा, two pi पे कुछ ऐसा बनेगा। बेटा ये आप याद रख लेना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, फिर ये आगे और कंटिन्यू हो जाएगा आपसे। बेटे इसको बना लो, इसको बना लो बेटे, यस सर, यस, ठीक है। अब बेटे मेरे को चीज बताओ कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर x, x करेक्ट, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा फिर, y बराबर माइनस x, हाँ, टू पाई माइनस, तो टू पाई माइनस, हाँ, ये लाइन ऐसी बन रही है, तो अगर लाइन ऐसी बन रही है तो इसका क्या बोलते हैं, स्लोप क्या होगा, माइनस होगा, यस यस, तो अगर माइनस होगा तो भाई स्लोप तो माइनस आ गया, मतलब एक्स जो है वो तो नेगेटिव के साथ आएगा, बाकी जो पॉइंट है वो क्या होगा, टू पाई, टू पाई, अब टू पाई पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, तो ये एक्चुअली कितना आ जाएगा, टू पाई माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू टू पाई माइनस एक्स, ठीक है बेटे, ये लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन बता दो एक बार जल्दी से, ये लाइन का इक्वेशन बता दो बेटे, y बाय टू पाई प्लस एक्स, टू पाई प्लस एक्स, पक्का, भाई ये जो पॉइंट है ये है टू टू पाई कॉमन जीरो, और इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, एक्स माइनस टू पाई, हाँ, एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस टू पाई, ये रे बेटा समझ में आ गया, ये ना सबको क्लियर है, नहीं, यस सर, इसको क्लियर नहीं है, कौन बोला नहीं, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता दूंगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं, बोलो तो सही,
अब मेरे को एक बार बताओ पहले क्या समझ में नहीं आया तो बेटा, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? ये y बराबर x माइनस 2y, सो इक्वेशन बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वेशन बना के बता देता हूँ बेटा। पॉइंट क्या, पॉइंट तो दिख गया ना, 2y कॉमा 0। यस सर, है ना? तो पॉइंट जो है, पॉइंट इज 2y कॉमा 0। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का क्या बोलते हैं, स्लोप कितना होगा, प्लस वन या माइनस वन? ये वाली जो लाइन है, ये वाली प्लस वन, एम बराबर प्लस वन लिख दूं? इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे लिखते हैं? यस सर। ठीक है, तो वाई माइनस वाई वन कितना है, जीरो, एम कितना है वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है, टू पाई। y equal to 1 को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो x minus 2 पाया है। Yes sir। ठीक है, तो इसलिए उस लाइन का इक्वेशन कितना आया, y equal to x minus 2 पाई। अब आगे बात समझ? Yes sir। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? Yes sir। ठीक है, अब आप खुद ही बताओ, इस पे अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, find the value of cos inverse of cos 3, इसका वैल्यू क्या होगा? 3 आएगा। अब मान लो ये पूछा होता, cos इनवर्स ऑफ cos 5 क्या आएगा? 5 पक्का? टू पाई माइनस 5। टू पाई माइनस 5, गुड भाई। आप बस ये देखो ना, 5 कहाँ पे आएगा, पाई और टू पाई के बीच में, पाई और टू पाई के बीच में, क्यों? क्योंकि इसका एप्रोक्सिमेट वैल्यू 3.14 होता है, इसका कितना होता है, ये तो 6. कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा, तो 5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन यूज होगी ना उसके लिए? यस सर। इसका वैल्यू ये वाली लाइन की इक्वेशन y = 2y - x, तो बस x की जगह हमें यही तो रखना है 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, y = 2π - 5। मेरे बेटा समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते कैसे। ये तो अभी अपन ने वैल्यूज निकाल निकाल के देखा, वहां पे ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि भाई जे में ऐसे क्वेश्चन तो देंगे नहीं कि भाई इसका वैल्यू बताओ, है ना? तो वहां पे क्वेश्चन कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। ये नोट कर लिया सबने? यहाँ पे क्लियर है बेटा आपको? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। विनय, रितु, निधि, हर्षिता, अंशु, यस सर। यस सर। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को किस तरीके से बनता है, इसमें क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन कॉस इनवर्स कॉस 5 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका x आएगा, x एक इंटीजर होना चाहिए, समझ गए ना? क्वेश्चन समझ गए बेटा कि फिर से समझाओ क्वेश्चन?
बोलो सर, समझ ऑप्शन है फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड इज माइनस 1, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। बेटा सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो बेटे, क्वेश्चन में वो कह रहा है, जैसे आपको ना ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये बोल रखा है 6x² - 5x < 10। अब जो आगे ये दे रखा है ना, ये उसने इनवर्स में दे रखा है, प्रतिलोम फलन दे रखे हैं आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी अपन ने बेटा ये cos इनवर्स cos 5 का वैल्यू निकाला था, देखा था ना कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यस सर, है ना। तो वो वैल्यू निकालो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे जब आप रखोगे तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, बस उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x निकालना है क्या होगा। यस सर। अब जो x आएगा ना बेटे, वो क्या होना चाहिए, उसमें बोलो इंटीग्रल, मतलब इंटीजर होना चाहिए। सर बन आ रहा है सर, बन आ रहा है, मतलब x का वैल्यू आपका बन आ रहा है। यस सर। क्या चेक करते हैं, 1 मतलब ऑप्शन 1 आ रहा है या आंसर 1 आ रहा है? नहीं, आंसर 1 आ रहा है। आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अभी चेक करते हैं बेटा, एक बार बाकी को कर लेंगे, फिर अभी चेक करते हैं, बाकी भी कर लो जल्दी से बेटे। सो माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। और होगा क्या आ रहा है, जल्दी करो, तो मैं चार्ट में कर लो। ओके, राहुल इज 0। ओके राहुल, यस, और किसी का आया आंसर बेटे, कर रहे हो या बता दूं? सर कर रहे हैं बेटा, इतना टाइम तो ना लगना चाहिए एग्जाम में, इतना टाइम तो ना मिलेगा हमें। देखो चेक करते हैं, देखो 6x² - 5x, इसका वैल्यू कितना है बेटा, cos इनवर्स cos 5 कितना हुआ, 2π - 5, इसका वैल्यू कितना है, 2 π - 3 π - 3 π - 3 ये आ जाए। तो आप देख सकते हो बेटे कि माइनस 2π और 2π तो कट गया, तो 6x² - 5x < -5 + 6 बन हो गया। यस सर। 6x² - 5x बेटे, इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा -1 < 0। तो अपने को तो बस यही सॉल्व करना है, इसका फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बेटे, जल्दी सॉल्व करके बताओ। सर x और 6x - 6 चाहिए, कितना आ जाएगा, -6x + x आ जाएगा, -1 < 0 है ना, ठीक है। तो ये आ गया 6x कॉमन लिया, तो अंदर आ गया x -1 और
यहाँ पे कॉमन लेंगे कितना प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, तो सिक्स एक्स प्लस वन और ये आ गया कितना एक्स माइनस वन। ठीक है यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था बेटे। अब ये तो मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था कि अगर ऐसा इनइक्वालिटी आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। भाई x कहां से कहां तक आएगा, अरे बताया था ना ये स्टार्टिंग में फंक्शन वाले में जब हम परिसर निकाल रहे थे रेंज निकाल रहे थे माइनस वन बाई सिक्स से वन, माइनस वन बाय सिक्स से वन, माइनस वन बाय सिक्स से वन। ठीक है अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो इसकी वो क्लोज बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं है। अब एक बात बताओ बेटे मेरे को बस कि माइनस वन बाय सिक्स से वन के बीच में कौन सा इंटीजर आता है। जीरो, जीरो आएगा भाई, वन तो आएगा नहीं क्योंकि वन तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो वन तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। तो माइनस वन बाय सिक्स से वन के बीच में क्या आएगा एक्स बराबर कितना आएगा जीरो, बस जीरो आंसर आया बस समझ। यस आंसर आया था जीरो, तो सही है बेटे। सर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स में से माइनस एक्स कॉमन लेके कर सकते हैं ऊपर वाले में, अगर x हम कॉमन ले ले 6x स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 5 बनेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो पहले x इज लेस देन 1 करेंगे और 6x माइनस 5 इज लेस देन 1 तब तो इसका आंसर होगा। आप पता है क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, आप इसको ये कर रहे हो कि आपने x कॉमन लिया अंदर आया 6x माइनस 5 लेस देन 1, सॉरी कितना देगा, हाँ लेस देन 1। आप क्या कह रहे हो इसको कि एक बार x को लेस देन 1 करेंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं करते हो, इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हमें, अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें हमेशा राइट साइड पे जीरो बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, राइट साइड का अपने को हमेशा जीरो बनाना पड़ेगा वरना ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, या पहले राइट साइड में जीरो बनाओ, जीरो बनाने के बाद यहाँ पे जो भी आपका एक्सप्रेशन आ रहा है उसके फैक्टर्स बनाओ, क्योंकि फैक्टर्स को ही हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इवन स्टार्टिंग में भी बताया था फंक्शन वाले चैप्टर में, याद आया फलन वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे हम, जान तो परिसर निकालना है ना, तो वहां पे हमने ऐसे जो किया था तो इसको ऐसे नहीं कर सकते बेटा, आप जैसे बता दो वैसे आंसर आएगा ही। सबको क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, अरे बोलो बेटे सबको क्लियर है ना। यस सर। बेटा बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही, मुझे एक ही की आ रही है, विनय निधि राहुल हर्षिता ममता क्लियर है बेटे। यस सर। यस सर। यस चलो नेक्स्ट, ये हो गया नोट कर लिया बेटे। नो सर। अरे करो करो, सगल लिया लिया, चलो नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड क्या है बेटे, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। ठीक है, ये भी क्या आ रहा था एक्स के बराबर आ रहा था, पर ये x के बराबर कब आ रहा था, जब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 तक। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटे, ये रहा आपका माइनस पाई बाय 2, ये रहा पाई बाय 2, इसके आगे यहां पे आएगा पाई, यहां पे आएगा माइनस पाई, फिर इसके आगे आएगा 3 पाई बाय 2, ये आएगा माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है बेटे, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा कि भाई tan inverse x ये y equal to x बोल सकते हैं इसको अपन, तो y equals to x कब आ रहा है, जब x जो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में,
पर याद रखना माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू इंक्लूड नहीं होंगे, बात समझ में आ रही है? ये आएंगी उनपे डिफाइंड ही नहीं होता ये, ठीक है? तो अब इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटे, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में भाई इसका जो रेंज वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यू कभी आएगा ही, ठीक है? तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यार बैंक अच्छी बन गई, ज्यादा अच्छी तो नहीं बनी लाइन बट समझ लेना कि लाइन ही है ना। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में माइनस पाई बाय टू एंड दिस इज पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक के बीच में जो लाइन बनेगी वो यही बनेगी बेटे, आया ना? यस सर। यार सपोर्ट क्लियर है बेटे? माइनस पाई बाय टू डिफाइन ही नहीं है, देखो ना है ही क्लोज ब्रैकेट है ही नहीं, ओपन ब्रैकेट है तो उसमें है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है इस पे वैल्यू कभी आएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये ग्राफ बन जाएगा और आगे कैसे कंटिन्यू होगा, आगे ये इस तरीके से कंटिन्यू होगा, ये और ये इनको ज्वाइन कर देंगे, आया समझ? ऐसा भी ग्राफ बनेगा और ये इसके बीच में ऐसा बन जाएगा, समझ में आ रही बेटे ग्राफ कैसा बन रहा है? Yes, है ना? तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमेशा, ये जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, इस पे कभी वैल्यू आएगा ही नहीं क्योंकि टेन इस पे डिफाइंड ही नहीं होता, बताया था ना फंक्शन में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। अच्छा अगर ग्राफ बना लिया हो तो मुझे जल्दी से बता दो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y equal to x, इस लाइन का इक्वेशन क्या आना चाहिए? y equal to pi plus x, कितना आएगा y equal to pi plus x या pi minus x? plus x है, minus x में थी ना, प्लस एक्स कैसे आएगा, वाई माइनस वाई वन जीरो, इस लाइन का स्लोप वन, एक्स माइनस एक्स वन इज पाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई आया ना बेटे, पाई प्लस एक्स प्लस पाई कहाँ आएगा, है ना? वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई आएगा और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू एक्स प्लस पाई, कैलकुलेशन आएगा समझ? क्लियर है बेटा सबको? बना लो उसको जल्दी से, सर इस स्लोप में m की वैल्यू माइनस वन होगी क्या? नहीं, इसकी स्लोप में m की वैल्यू माइनस वन हमेशा इस लाइन की स्लोप में आती है, ठीक है? ऐसी लाइन बनेगी तो नहीं आएगी, ऐसी लाइन के लिए m इक्वल्स टू प्लस वन होता है, इस वाली लाइन के लिए m इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट बना सकते हैं। Next, fourth is cot inverse of cot x. This is equal to x, और ये x कब आता था? When x is belongs to 0 से pi open. अब इसका ग्राफ 0 से pi बनना है. ये जीरो है, ये पाई, इस पे ओपन सर्किल इसलिए बनाया क्योंकि जीरो और पाई इंक्लूडेड ही नहीं है ना, है ना? जीरो पाई इंक्लूडेड है, तो ये जीरो है। नेक्स्ट
हेलो पाई जो है लेट्स सी यहां पे है यहां पे लिखो पाई दिस इज पाई और दिस इज 2 पाई जो ओपन सर्कल है यहां पे ये फ्रेंड सर्कल पाई बाय 2 पी बाय 2 अगेन ओपन सर्कल आ जाएगा इस पे पाई पे ये पाई बाय माइनस पाई पे ना माइनस 3 पाई ठीक है बेटे अब इसमें जो एक्चुअली ग्राफ बनेगा अपना हां तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा 0 से पाई तो इस पे भी ओपन आ जाएगा तो 0 से पाई कुछ ऐसा बनेगा ठीक है उसके बाद 0 से पाई बन गया नेक्स्ट यहां पे बनेगा नहीं यहां पे वैल्यू आएगा नहीं क्योंकि पाई पे डिफाइन नहीं होता ना फॉर और चलो पाई पे डिफाइन नहीं होता ले बेटे ऐसा बन जाएगा नेक्स्ट आगे क्या बनेगा भाई 0 से पाई है फिर इसका पीरियड कितना होता है पाई होता है ना तो हर एक पाई के बाद रिपीट करेगा फिर बाद जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है फिर हो रहा है बेटे इस तरीके से बने मेरी बात यस हर्षिता बेटे सारे ग्राफ हमें पता होने चाहिए क्योंकि बिना ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा भाई बात समझ तो ग्राफ तो सारे आने चाहिए बेटे इस ग्राफ को याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ तरीका यह है बेटे आप है ना भाई मैंने आपको बताया था ना पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक याद है पीरियोडिक फंक्शन किसको याद है कि भूल गए याद है याद है तो cot का पीरियड कितना होता था बेटे cot x का cot वाला जो फलन था फंक्शन था उसका पीरियड कितना होता था 0 टू पाई पाई 0 टू पाई ना पाई होता है ठीक है पीरियड कितना होता था पाई तो एक बात बताओ 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही हर पाई के बाद बनेगा यस सर तो 0 से पाई के बीच में कैसा ग्राफ बन रहा है लाइन बन रहा है यस सर तो इसके बाद पाई कौन सा आएगा इंटरवल पाई से 2 पाई तो पाई से 2 पाई के बीच में लाइन बनना चाहिए देखो बन रहा माइनस पाई से 0 के बीच में फिर लाइन बनना चाहिए देखो बन रहा बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई पाई पे cos डिफाइन नहीं होता पाई बाय 2 पे टाइम डिफाइन नहीं होता ये चीज हमें पता होनी चाहिए बस वरना इसका ग्राफ ही देख लो भाई tan का पीरियड भी कितना होता है पाई होता है तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के बीच में ये पाई है पीरियड देखो लाइन बन रहा अब यही लाइन हर बार हर एक पीरियड में रिपीट करेगा हर पाई के बाद रिपीट करेगा दूसरा इंटरवल कौन सा आएगा पाई का ये आएगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ये भी तो पाई है तो देखो yes. इससे लाइन बन रहा है ठीक है इससे पहले वाला ग्राफ देख लो cos cos का पीरियड कितना होता है 2 पाई cos का पीरियड 2 पाई होता है ना बेटे yes, पाई के बीच में देखो जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ वापस रिपीट कर रहा है तो आपको केवल इतना सा याद रखना है 0 से 2 पाई वाला उसके बाद तो आप बना ही लोगे बात समझ में आ रही बेटा तो इसको एज अ पीरियड वाला या पीरियड वाइज याद रखो जब अगर हमें पीरियड्स पता होंगे तो भाई ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी इसका पीरियड भी 0 से 2 पाई होता है तो 0 से 2 पाई ये रख तो 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे बनेगा तो हर जगह ऐसे ही बनेगा देख बात समझ में आ रही बेटा Yes, है ना तो अगर पीरियड्स याद होंगे तो उनका ग्राफ बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ठीक है इसका बना दो बेटा बन जाए तो बता देना सब बन गया बन गया आगे बेटा दो और है This is a sec inverse
ये x कब आएगा, जीरो से पाई होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। तो बेटे ये जो इसका जो ग्राफ है ना, अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्यों, क्योंकि जो हमने कॉस का ग्राफ बनाया था ना, आपको याद होता है, तो मैं कॉस का ग्राफ बताता हूँ। कॉस का ग्राफ कैसा था, जीरो से टू पाई के बीच में ऐसा बनता था। यस सर। भाई इसमें भी क्या था, जीरो से पाई था। yes. इसमें भी जीरो से पाई ही तो है, बस पाई बाय टू नहीं है, तो जैसा ग्राफ कॉस का था ना वैसा ही बना दो, बस पाई बाय टू वाली लाइन हटा देना। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या था, पाई, यहाँ पे पाई था, वहाँ पे टू पाई, यहाँ पे थ्री पाई, फोर पाई, और यहाँ पे कितना, माइनस पाई, माइनस टू पाई। इस तरीके से बन जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनना था, ग्राफ को जैसे बनना था ना बेटे, याद हो तो आपको, है ना। ऐसे ही बनता था ना बेटे ग्राफ, उसका ऐसा ही बना था ना। यस सर। है ना। अब इसमें बस चेंज क्या है, चेंज ये है कि आपको बस इतना सा करना है कि ये पाई बाय टू हटा दो। अब पाई बाय टू जीरो से पाई के बीच में कब आएगा, बीच में। यस सर। है ना। तो बस ये वाली लाइन ऐसे लाइन बना लो, ऐसे ही लाइन बना दो। अब ये ग्राफ डील लाइन को जहां तक कट कर रहा है उसपे ओपन सर्कल, वहां पे ग्राफ नहीं है, वहां पे ग्राफ नहीं है। बेटा समझ आ गया इसका ग्राफ। आपको बस इतना सा करना है कि पूरा कॉस का ग्राफ बना दो, कॉस इनवर्स वाला। वो ग्राफ बनाने के बाद बस ये जो पॉइंट है ना पाई बाय टू, वहां से ग्राफ हटा दो उस वाली लाइन से। क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आ गया बेटे सबको? यस सर। नेक्स्ट। अब सिक्स्थ वाला तो आप समझ ही गए होंगे, सेम जैसा साइन था वैसा बना लो, जीरो पे हटा दो बस, समझ गए ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन कॉस एक्स। कॉस एक्स इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, जीरो नॉट इंक्लूड, नॉट एक्सेल जीरो, ठीक है। जीरो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू बनेगा पाई, ये पाई बाय टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू, ठीक है।
अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो तो इस तरीके से बनेगा बाई ये होता है माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बस याद रखना इस पे ओपन सर्कल। आगे समझ ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा ओपन सर्किल के साथ। यहाँ पे अगेन ओपन सर्किल बना रहे हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे ओपन सर्किल है। क्लियर है बेटा? यस सर। पूरा सेम ग्राफ वैसे ही है, ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, जीरो इस तरीके से ग्राफ होता है। सर हो गया, हो गया, सबने बना लिया बेटे? यस सर। ठीक है, चलो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी फोर भी, हो गया प्रॉपर्टी छह के छह अपने ग्राफ बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फाइव। मैं बता रहा हूँ सात आठ प्रॉपर्टीज है, बस वो कर दिया, पांचवे पे पहुंच गए, उसके बाद दो तीन ही है बस। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी, ये तो इजी है, ये याद हो जाएगी। जैसे इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, ये कब आएगा? ये आएगा व्हेन एक्स इस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस वन से वन, अपने अपने डोमेन में होना चाहिए। डोमेन मतलब प्रांत, बाई साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, माइनस वन से वन। यस सर, है ना, तो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, तभी इसका आंसर पाई बाय टू आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मन से ही बता रहे हैं, इसका पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, मतलब इसका प्रूफ में बता देता हूँ, एक प्रूफ में बता देता हूँ आपको। प्रूफ ये है कि भाई एक काम करो, ये जो अपने पास साइन इनवर्स है ना, इसको कुछ मान लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, क्या मान लिया अपन ने, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया बेटे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को अगर अपन ने थीटा मान लिया, तो अगर मैं साइन इनवर्स को वहां भेज दूं, तो ये एक्स इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा। यस यस सर। आया ना, बनेगा नहीं बनेगा बेटे? यस यस सर, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा बनने के बाद, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ये बेटा और कौन पढ़ रहा है, माइक तो म्यूट कर लो, ऐसा लग रहा है कि और भी जने पढ़ रहे हैं, और ये मुझे इंसान तो लग नहीं रहा जो भी पढ़ रहा है ना। अरे हाँ या ना? Yes, sir. बेटा कितने ज्यादा आप हो गए हो क्या इसमें, कि जो भी समझ नहीं पा रहे? So, समझ गए, समझ गए, पर अच्छा नहीं लगा है? क्या कह रहे सर, समझ तो गया पर अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, है ना? Yes, sir. अच्छा एग्री कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया आवाज। चलो कोई नहीं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ गया, तो बचपन की त्रिकोणमिति फलन, मतलब त्रिकोणमिति याद करो, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकते हैं।
यस सर क्लास में पढ़ा होगा यस सर इनको लिख सकते हैं चाहिए ना नहीं मैंने कुछ नीचे से मांगा था हाँ x इक्वल टू साइन थीटा तो इस फॉर्म क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस कॉस माइनस थीटा फाइव बाय टू माइनस थीटा ठीक है बेटे अब एक काम करो कॉस को वापस इस तरह भेज दो तो कॉस को इस तरह भेज देंगे तो अपने पास आएगा कॉस फाइव बाय टू याद है सबको क्लियर है बेटा याद है आएगा ठीक है अब एक बात बताओ थीटा क्या था जहां उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं फाइव बाय टू थीटा को उस तरफ भेज दिया हो गया cos इनवर्स प्लस थीटा cos इनवर्स x प्लस थीटा यहाँ तक सबको क्लियर है समझ में आ गया बेटे बस राइट साइड भेज दिया अभी थीटा था क्या sin इनवर्स x pi by 2 is equals to cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x यही था आइडेंटिटी यस सर हो गया तो ठीक है बेटे प्रूफ हो गया है ना तो याद रखना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होता है ये कब होगा जब एक्स माइनस वन से वन के बीच में होगा ठीक है अच्छा इसको आप ऐसे भी याद रखना ऐसा नहीं है आप इसको बस यही याद रखो आपको बस इसको ऐसे याद रखो साइन इनवर्स बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स मतलब साइन इनवर्स डब्बा इक्वल टू कॉस इनवर्स डब्बा बराबर क्या होना चाहिए पाई बाय टू ठीक है और ये डब्बा कहां से कहां तक होना चाहिए माइनस वन से वन तक अब बात समझ रहा है एक्स में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हो सकता है उसकी जगह कुछ और लिख दे वो है ना हो सकता है उसकी जगह कुछ और लिख दे वो लिख दे साइन इनवर्स टू एक्स फिर आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इन दोनों का सम ही पाई बाय टू होता है पर तो टू आ गया था तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रखो अब इसमें कुछ भी हो सकता है कुछ भी ठीक है बात समझ में आई बस अब ये जो कुछ भी होगा ये हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होगा ठीक है बेटे यस सबको क्लियर है यस सर दिव्या हर्षिता ममता निधि क्लियर है बेटा सबको यस सर यस सर फंक्शन के अलावा कुछ भी हो सकता है ना फंक्शन के अलावा मतलब ये इसके अंदर कुछ भी आ सकता है बट वो कुछ भी माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए अब वो कुछ भी हो सकता है ठीक है क्या रे बेटा तो अगर माइनस टू आ गया तो माइनस टू आ गया तो डिफाइंड ही नहीं होगा वो आएगा ही नहीं कभी आएगा ही जैसे अब आप कह रहे हो कि सर अगर ऐसा आ गया तो मतलब अब क्या करेंगे मतलब ये कि सर अगर उसने मान लो ये लिख के दे दिया हमें साइन इनवर्स माइनस टू प्लस कॉस इनवर्स माइनस टू तो क्या हम इसको पाई बाय टू बोले तो मैं लूंगा नहीं आप इसको कुछ भी मत बोलो आप इसको कुछ भी मत बोलो ये डिफाइंड ही नहीं नॉट डिफाइंड क्यों कुछ भी नहीं क्योंकि इसके अंदर जो लिखा होगा ये हमेशा इसको एज अ बॉक्स कर दो ये जो है बॉक्स ये माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए अब माइनस टू माइनस वन के बीच में तो है ही वो तो बाहर है तो मतलब ये कमी हो गई अगर समझ यस सर ठीक है अब मान लो इसकी जगह ये लिखा होगा साइन इनवर्स 63/64 प्लस कॉस इनवर्स 63/64 तो ये पाई बाय टू होना चाहिए Yes, sir. Yes, sir. होना चाहिए समझ क्यों क्योंकि सर हाँ बेटे इस पे जो साइन इनवर्स के साथ जो एक्स अलाइन है और कॉस इनवर्स के साथ जो एक्स अलाइन है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए ना इस प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स x plus cos inverse तो यहाँ भी x होना चाहिए यहाँ y हो जाएगा तब सेटिस्फाई तो ना करेगा ये दोनों सेम होना चाहिए
एक्स बराबर है ना, समझ बेटे? यस ना, अभी एक काम करते हैं, इस पे क्वेश्चन भी करते हैं। चलो आपके लिए मैं इस पे क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है? जैसा आपने बोला ना सर, अगर ऐसा हो ऐसा ही होना चाहिए ना, तो देखो, तो क्वेश्चन ये है कि हमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन बी प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 9, बिल्कुल जिस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन बी प्लस एक्स की पावर 12 अपॉन 9, और ये एंड तक कुछ लिखा हुआ है, और हमें बोल रखा है दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू के बराबर, ठीक है? तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितना होगा, ठीक है बेटे? और मॉड एक्स भी दे रखा है, कहां से कहां तक, 0 से रूट 3 के बीच, ठीक है? चल ये दिक्कत नहीं है, आप बस इसको सॉल्व करो, तो मुझे बताओ कि ऐसे कितने x आएंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? सोचो और बताओ क्या आंसर है, क्या आंसर आया किसी का? क्योंकि लास्ट टाइम आपको तक इधर यस आंसर आया बेटे किसी का? सर बंदा बता तो दूंगा मैं बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, आपसे भी बनना चाहिए, सिंपल ही है। किसी से भी नहीं बना, एक भी वैल्यू नहीं निकली क्या? एक भी वैल्यू, थोड़ा कुछ सोच के ही निकाल लो यार, सोच के से मेरा मतलब है कुछ ट्राई कर लो, वैल्यू पुट करके ही देख लो, देखो आ रहे नहीं आ रहा यार, एक आंसर तो वैसे भी दिख ही रहा है, एक बार देखो तो सही, एक आंसर तो दिख ही रहा है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा? जीरो जीरो तो दिख ही रहा है, एक्स की जगह जीरो रख लो, जीरो रखोगे तो जीरो जो है माइनस वन से वन के बीच में भी आता है, हर तरफ जीरो ही बनेगा, तो साइन इनवर्स जीरो प्लस कॉस इनवर्स जीरो पाई बाय टू बन जाएगा, है ना? एक तो यही बन गया, ठीक है? दूसरा क्या रख सकते हैं भाई, एक जीरो रख के देख लिया, एक वन रख के देख लो, वन से क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए वन से? वन से बन रहा है ना भाई, वन रखेंगे तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये वन में से कुछ फ्रैक्शन हम माइनस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो बनेगा ये पूरा माइनस वन से वन के बीच में ही बनेगा, ये कितना भी बने माइनस वन से वन के बीच में ही बनेगा, और माइनस वन से वन के बीच में बनेगा तो भी पाई बाय टू आएगा, तो दूसरी वैल्यू भी आ गई। तीसरी एक माइनस वन रख के देख लो, एक माइनस वन रख के देख लो, माइनस वन रखोगे तो आपको तो दिख रहा है यहाँ सारी की सारी जो पावर है एक्स की वो सारी की सारी क्या है, सम है, सम है ना, इवन पावर है तो वन रखो या माइनस वन रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वन से भी वही आंसर आएगा, माइनस वन से भी आंसर आएगा, तो मतलब एक वन हो गया, एक माइनस वन हो गया, एक जीरो हो गया, इसके अलावा कुछ और रखोगे तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि टू रखोगे तो टू की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ टू रखोगे टू की पावर 16 हो जाएगा, अब जैसे ही ये पावर बड़ी हो गई, ये 4 हो गया या 16 हो गया, उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, अब जो माइनस कर रहे हैं वो छोटे नंबर है ना, तो चाहे वो कितने भी हो अभी भी उसको वन तो बना ही नहीं पाएंगे, आया ना, वन से ज्यादा ही आएगा हमेशा, ठीक है? तो वन जीरो माइनस वन और वन, उसके अलावा कभी आंसर आएगा ही, ठीक है? तो आपका आंसर तो केवल और केवल देखने से ही आ गया, सोचने से ही, जीरो सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था,
बेटा पहले बता देती कि सर एक बार मेरे को क्वेश्चन समझा, तो मैं क्वेश्चन समझा देता, बोली भी तो नहीं बता, मैंने पहले भी कहा था बेटे कोई दिक्कत हो बता दिया करो, अब बताओगे नहीं तो तब तक मुझे कैसे पता लगेगा। सर वो दोनों ब्रैकेट को इक्वल रख के सॉल्व कर रही थी और वो पता नहीं क्या, उससे भी आ जाएगा बेटे, उससे भी आ जाएगा, मैं उससे भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। अरे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, अभी देखो x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 बाय 3 प्लस x की पावर 6 बाय 9 और ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर x की पावर 4 माइनस x की पावर 8 अपॉन 3 प्लस x की पावर 12 बाय 9 ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। अब इक्वल आने के बाद बेटे एक चीज इसमें ये देखो क्या कि ये जो अपने पास सीक्वेंस लिखा हुआ है ये क्या है, ये वीपी लिखा हुआ है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था सीक्वेंस इन सीरीज में, याद हो तो। यस सर। है ना? यस सर। एक्स की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रख सकते, एक्स की फ्रैक्शन वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, एक्स की फ्रैक्शन वैल्यू रखोगे तो भी आपको देखेगा कि माइनस वन से वन के बीच में आएगी, रख के देखना, अब रख के चेक करके देखना, माइनस वन से वन के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, कहां पे दिया था, हाँ यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये तो एक जीपी बन रहा है, जीपी, और ये कहां तक जा रहा है सम हमें नहीं पता, तो एक्चुअली इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला याद है किसी को, सर a into r की पावर n माइनस वन अपॉन ना 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 वो gp के सम का था, ये इनफाइनाइट सम है, इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला ये था, याद हो तो a अपॉन वन माइनस r, क्या था बेटे, a अपॉन वन माइनस r, वन माइनस r, ठीक है, a अपॉन वन माइनस r था, तो इसमें आप एक चीज देखो बेटे क्या, इसमें a क्या है x स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर, क्या आ रहा है बस आर बता दो मुझे, आर बता दो आर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई थ्री, यही आएगा भाई, सिर्फ अरे आर कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में पहली टर्म डिवाइड कर दो, है ना, आर क्या आएगा, अच्छा ये आर माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना भाई, आर जो है माइनस में आएगा तो ये प्लस होगा नहीं होगा, यस सर, है ना, करेक्ट, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन वन माइनस आर, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर फोर बाय, ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो थ्री ऊपर चला जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर और एक थ्री यहाँ पे आ जाएगा, थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 अपॉन 3 प्लस x की पावर 4, ठीक है, अब यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, जो बच गया ना उसको लिख दो, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 3 प्लस x की पावर 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इनटू 3 प्लस x की पावर 4 प्लस बराबर x की पावर 4 इनटू 3 प्लस x स्क्वायर, ये आना चाहिए ना, यस सर, बिल्कुल ये आएगा, ठीक है बेटे, अब एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा x की पावर 6 इक्वल टू 3, सर 1x स्क्वायर से शायद का x स्क्वायर कट हो जाएगा, ये भी कर सकते, ये कर लेते, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये x स्क्वायर इससे काट दो तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस x की पावर 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ये आना चाहिए ना, x की पावर x कट जाएगा, x की पावर 4 कट जाएगा,
अच्छा अब एक चीज याद रखना, ये जो हम x की पावर 4 x की पावर 4 काट रहे हैं, इसका मतलब x जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन हमें मिस नहीं करना, ये भी लिखना है। क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। यस ओके, डिवाइड सर सीधे कर लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। करेक्ट, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। So this implies x equals to plus minus 1. So x equal to plus minus 1 आया, x equal to 0. याद है अपने पास? यही तो मैं बोला था कि यही आया. 0 plus minus 1, 3 solution आ गए, तो आंसर आएगा 3 आ जाएगा आंसर, क्योंकि उसने क्या बोल रहा है? Number of values of x. ऐसे कितने x हैं जिससे आंसर आ रहा है? वैसे 3 x हैं, तो आंसर इस 3. बात समझ आ गई बेटा सबको? Yes. सबको समझ आ गया अच्छे से बेटे? Yes, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, बस इसको नोट करो। यस बेटे, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो next. अच्छा आप अपने एक ही पढ़ी थी ना आइडेंटिटी अभी तक, मतलब फिफ्थ वाली में एक ही पढ़ा था ना? Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स और चेयर बाय बाय टू वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस वन। सेकंड क्या होगी, सेकंड क्या होगी, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा, पाई बाय टू होगा। अच्छा इसका डोमेन क्या होता है, ट्रांस क्या होगा इसका, पाई कितना होगा हो गया, हो गया, सबने नोट कर लिया बेटे? Yes, sir. Hello, next. Property six. First ये कि cosec inverse. Let's say मैंने बोल दिया cosec inverse. x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अप साइन इनवर्स 1 बाय x, क्या लिख सकते हैं बेटे, साइन इनवर्स 1 बाय x। और ये कब लिख सकते हैं, ये हम कब लिख सकते हैं भाई, ये जब इसके डोमेन में हो, तो मतलब cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, के पीछे क्या रीजन है, आया ना ये बात ना भाई, देख इसके पीछे का रीजन ये है क्या, कि लेट को ऐसे लिख देता हूँ, चलो प्रूफ जो है मैं यही बता, लेट cosec इनवर्स एक्स वो अभी के लिए अगेन पर थीटा बोल देते हैं, और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा बेटे,
है थीटा आया ना यस सर x क्या आ जाएगा cos थीटा तो x अगर cos थीटा आ जाएगा तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा sin थीटा तो यहां से अगर मुझे sin थीटा निकालना हो तो sin 1/x x सही आ गया यस सर यहाँ से अगर थीटा निकालना हो तो साइन को उस तरफ ले जाओ sin upon x और थीटा क्या था cos inverse x cos है क्या cos inverse x equal to sin inverse 1/x ठीक है बेटे yes sir ठीक तो ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी अब आप भी सोच रहे होंगे सर हम तो थक गए इतनी प्रॉपर्टीज से खत्म ही नहीं हो रही क्यों बेटे यस सर हाँ हट गए क्या वर्ड पढ़ के ये सर बहुत प्रॉपर्टीज हो रही हैं ये हटना है अरे ये फिर किसको था अरे थक तो नहीं गए बेटा पढ़ पढ़ के नो सर का यस सर अच्छा तो cosec फर्स्ट तो ये होगी प्रॉपर्टी की cosec इनवर्स x जो होगा वो किसके इक्वल होगा sin अगर हम sin इनवर्स x का निकालेंगे तो cosec 1 cosec इनवर्स x मतलब वो हो जाएगा वही बता रहा हूं अगर sin इनवर्स x आप निकाल दो sin इनवर्स x sin इनवर्स x क्या होगा cosec इनवर्स इनवर्स 1/x 1/x cosec inverse 1/x तो ये कब होगा when x belongs to कहां से कहां तक x कहां से कहां तक होना चाहिए भाई इसका डोमेन क्या था ये था इसका डोमेन आ जाएगा यहां अपने डोमेन में होना चाहिए तभी लिख सकते हैं तो sin inverse x का डोमेन क्या होता है -1 से 1 -1 से 1 ये होता है यस yes, सर माइनस वन से वन यही होता है बट अभी भी इसमें गलती है okay? अगर आप इसको केवल इतना लिख के छोड़ दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा ठीक है गलत ये हो जाएगा गलती ये है बेटे क्या कि अगर मान लो हमने x की वैल्यू जीरो ले और माइनस वन से वन के बीच में जीरो तो आएगा इसे है ना yes, sir. है ना तो इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स जीरो इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/0 ऐसा हो सकता है क्या कभी 1/0 आएगा क्या कभी ये तो नॉट डिफाइंड है नो सर डिफाइंड ही नहीं है ठीक है तो इसमें गलती है तो इसको हम -nπ -nπ नहीं nπ क्यों रखेंगे जब x -1 से 1 के बीच में है तो nπ रखने की जरूरत ही नहीं है -0 बस एक ही पॉइंट पे तो होगा और टू भी पॉइंट ही -0 है ना समझ यस सर अरे ये कभी भी जीरो नहीं है ठीक है बेटे थर्ड cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा sec इनवर्स 1/x का डोमेन क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए प्रांत क्या होगा -1 से 1 इसमें भी जीरो रखेंगे क्या नहीं रखेंगे ना क्योंकि जीरो आ रहा है ना उसके बीच में तो जीरो हमें हटाना पड़ेगा ठीक है sec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x आ जाएगा ये ट्रांस क्या होना चाहिए mod x ग्रेटर देन इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे बीच में कभी जीरो आएगा ही बात समझ आई बेटे